जो बंदा जमीन पर फसाद फैलाते उसको खत्म करो। मैं तो कहता हूँ हाजी बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, तू 3 दिन तक यहाँ से जा नहीं सकता। धर्म का मामला है, रस्में पूरी करनी है। जा घुसा दे ये गर्दन लस पीरान के सारे हुजरों में। तुम जिससे मोहब्बत करती थी वो भी मर गया। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो भी आज मर गया। मैं बड़ी हो गई, इतनी बड़ी के ये देखकर तुमको पता चल गया। उसने मेरे साथ बीबी अवल खान और शहजाद बीबी का ड्राइवर नियाज गुल आए हैं। क्यों? मैंने बुलाया है। अवल खान मुझे हिलमंत से मिला देगा और नियाज गुल वापस इस्लामाबाद ले जाएगा। हैं? हिलमंत से? पर क्यों? जब आपने मुझे बेटी माना है तो बेटी को भी हाथ पैर मारने दें। बस हिलमंत तक आपकी बात पहुंचा सकूं और ये जो सारा मसला हो रहा है खत्म हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम उससे मिलो, पर तुम्हें मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगी। वापस भेजो अपने ड्राइवर को, अब तुम यही रहोगी। जब खुद को मेरी बेटी माना है तो मुझे भी माँ समझो। बस 1-2 दिन के लिए जा रही हूँ। नियाजगुल दफ्तर का ड्राइवर है ना, उसे वापस पहुँचाना होगा मुझे। अगर ना गया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ऑफिस वालों को मैं भी मुंह दिखा दूँ, नियाजगुल को छोड़ के वापस आ जाऊँगी। अभी मेरा काम शुरू ही नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन आप फिक्र ना करें, वापस आऊँगी। वादा करो 2 दिन के बाद 3रे दिन वापस यहीं आओगी। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, अवल खान को तुम्हारे साथ भेज देती हूँ, वो तुम्हें ले आएगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं वापस आ जाऊंगी, पक्का वादा। हाजी साहब को बताया? नहीं बताया ना, बता के जाना जरूर, नहीं तो तुम्हारे साथ गुस्सा करेगा। ठीक है। माँ से शादी की नहीं बाप के कत्ल की सजा दूंगा। अब अगर तुम या तुम्हारे पालतू की जुबान पर यह लफ्ज आया तो खुदा की कसम माफी की मीम मुंह से निकलने से पहले उसका दम ना निकाला तो हिलमत को नसरुल्ला खान का खून ना। सलाम आजी। वो अखबार वाली हिलमत से मिलना चाहती है। देखता हूँ। जी दाजी, तुम तो कह रही थी कि बाप का घर समझ के रहूंगी, फिर क्यों जा रही हो अचानक? बस 2 दिन के लिए जा रही हूँ, 3रे दिन वापस आ जाऊंगी बाप के घर। खैरियत? अपने ऑफिस में तो बताना है कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ठीक है, बस वो रास्ते के लिए खाना शाना लेकर जाना, मैं हेलमंत की माँ से कह देता हूँ बंदोबस्त कर देगी। उन्होंने सब कुछ गाड़ी में रखवा दिया, पूरे 20 दिन का राशन है। अच्छा अच्छा, सफर में गन बला खाने से बेहतर है घर का खाना खाना। जाने से पहले हेलमंत से मिलोगी? इरादा तो है। मैं तो कहता हूं मत मिलो, दिमाग खराब है उसका। यही तो जानना चाहती हूँ दिमाग क्यों खराब है, शायद इस सारी मुसीबत से निकलने का जरिया बन जाऊं मैं। पागल है वो। मैं उससे ज्यादा पागल हूँ। पता नहीं किन पागलों में फंस गया। ज्यादा बहस मत करना उसके साथ, बस एक बात समझाने की कोशिश करना,
कौन सी? यही कि हर इंसान से गलती होती है, लेकिन अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी गलती मान के माफी मांग ले। खुदा माफ कर सकता है तो जिरगा भी उसका गक माफ कर देगा। किसी को आजमाइश में डालने की जरूरत नहीं है उसे। बाकी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या जिरगा उसे माफ कर देगा? मैं ही जिरगा हूं। उसने जो किया नशे में किया है, अब उसका नशा उतर चुका है। उसे कहो कि गधे वाली जिद ना करे, बस आए और माफी मांग ले। जरदाद खान याद है तुम्हें? इतना याद है कि अपना 303 लेके घर के आगे बैठा होता था। ये भी याद है कि क्या किया था उसने? हाँ, तुम्हारे दादा के भाई हेमर खान का कत्ल किया था। क्यों? काफी मशहूर बात है कि अंग्रेजों के दौर में एक मैम गुजर रही थी हमारे गांव से। हेमर खान ने अंग्रेजों से नफरत में अपने रस्से पर जाती उस औरत को गालियां दी, जो डर कर भाग खड़ी हुई। उसने भागती मैम को एक पत्थर मारा और उसका सर खोल दिया। इससे पहले कि वो दूसरा पत्थर उठाता, छत पर खड़े जरदाद खान ने वहीं से फायर खोल दिया और हेमर खान को मार गिराया। जब मेरे बरदादा को पता चला कि उसके बेटे ने गांव से गुजरती एक औरत को गालियां बकी, तो उसने उसका नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ा और मरते दम तक जरदाद खान को अपना आठवां बेटा समझता रहा। हाँ जी, हो सकता है जरदाद खान ने झूठ बोला हो और उसकी असल में हेमर खान से दुश्मनी थी और इस दुश्मनी की वजह से उसने उसका कत्ल किया हो और बाद में गालियों का बहाना बनाया। वहाँ पर जरदाद खान के अलावा और कौन था कि ये गवाही देता कि हेमर खान ने एक जाती हुई औरत को बेइज्जत किया था? नहीं, उसने अपने गले में लटकी सलीब की कसम खाकर गवाही दी थी और उसकी यह गवाही सारे गांव के लिए काफी थी। हाँ जी, पुराने जमाने के भी क्या लोग थे, जुबान पर मरते थे और जुबान पर ही मारते थे। सिर्फ एक गवाही पर अपने बेटे का खून माफ कर देते थे। ये गवाही लेकर तुम हिलमंद के पास जाओ, तुम्हें और उसे साथ देखकर हो सकता है वो हेमर खान बन जाए और खुदा तुम्हें जरदाद खान बनने का मौका दे दे। समझ गया हाजी, सब कुछ समझ गया। लड़की को सबक पढ़ा देना कि वो हिलमंद पे माफी का दबाव डाले। अल्लाह की अमान। जगुनी, इधर आओ, तुम पे थोड़ा सा स्प्रे मार दूं। कसम दे, एक ही स्प्रे से तुम्हारे दिमाग के सारे कीड़े मर जाएंगे। क्यों का क्या मतलब है? ये तुम्हारे दिमाग का कीड़ा ही तो है जो घर के सारे काम छोड़कर तुम यहाँ आ जाती हो। अब तुम खुद बताओ, मैं यहाँ काम करूं या तुमको देखूं? वैसे मैंने सोच लिया, अगर लड़का हुआ तो संगीन खान और लड़की हुई तो गुलमीना। असदुल्ला,
ये क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? मिट्टी को तुम्हारे पैर समझ के क्यों दबा रहा हूं मैं? ओ मेरे खुदाया, कहीं तूने मुझे पागल तो नहीं कर दिया? क्या वो वक्त करीब तो नहीं जब तेरा हिलमन लसपीरान की गलियों में कपड़े फाड़े भाग रहा होगा, लोगों के पत्थर और गंदगी के ढेरों पर खाना खा रहा होगा? क्या मेरा दिमाग अब मेरे इख्तियार में नहीं रहा? क्या इस खोपड़ी में रेत भर गई है? ऐ लसपीरान के शहीद, तू ही बता, कहीं तेरा हिलमत दीवाना तो नहीं हो गया? हाँ जी मैडम, सारे इधर रुक जाओ। मुझे लगता है मैडम, अल्लाह ताला ने तुम्हें हमारे लिए वसीला बना कर भेजा है। तुम उन्हें समझा सकती हो और राजीव साहब की इज्जत भी बचा सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी, बस तुम उसको इतना राजी कर लो कि वो जरगे में सबके सामने माफी मांग ले। इसे ये पूरा गांव खून खराबे से बच जाएगा। आपको क्या लगता है, वो माफी मांग लेगा? मेहमान की बात मानना पठान का फर्ज होता है। तुम मेहमान भी हो और जनानी भी हो, वो तुम्हारी बात की इज्जत जरूर करेगा। अवल खान, एक बात सच बताओ, वो पागल तो नहीं है? मैडम कैसी बातें कर रही हैं, अगर वो पागल होता तो उसके एक हक पे ये पूरा गांव परेशान होता। वो पागल नहीं है, वो खर दिमाग है, वो जज्बाती है, गुस्से वाला है। फिर मैं घबरा क्यों रही हूँ? सच बताऊँ तो डर रही हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन लगता गलती कर दी है। इससे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? सब सीधा होगा, अगर न हुआ तो अवल खान उल्टा होने से पहले पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। फिक्र न करो मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम। आप हिलमंद हैं?
आज फिर मेरी तस्वीर लेने आई हो? शाबाश, मेरा सबक याद है ना? क्या था, बयान करो। अपनी कहानी में अपनी तस्वीर लगाओ, वरना सारी जिंदगी दूसरों के पीछे भागती रहोगी। कभी कभी मैं बड़े काम की बात कर जाता हूं, कैसे हो जाती है मुझे नहीं पता। यहां क्या करें? मुझे भी नहीं पता। अच्छी बात, जिन पर खुदा की रहमत होती है इन्हें वो लाइल्म ही रखता है, जिन्हें उसने अजाब देना होता है उन्हें ऐसी ऐसी बातों का इल्म दे देता है कि वो बदबख्त दीवारों से सर टकराते रहते हैं, पागल हो जाते हैं। कम इल्मी ही असल नेमत है। ना इल्म का बोझ होगा और ना कोई हिसाब देना पड़ेगा, सीधा दुम्बे पर बैठे टक टक करके पुलिस रात पार की और ठक जन्नत। क्या नाम है तुम्हारा? शहरजाद। मतलब क्या है? अलिफ अला के किस्से में हिरविन का नाम था, बड़े शहर की बेटी मतलब बनता है। तुम्हारे नाम का नहीं, यहाँ आने का क्या मतलब? मुझसे मिलना है या इस कब्रिस्तान में तुम्हारा भी कोई दफन? मिलने तो आपसे आई थी, लेकिन लगता है यहाँ खुद दफन हो रही है। तुम्हारा कैमरा किधर है? वो गाड़ी में मिले हम। क्यों? आपने पूछा तो मुझे लगा आपको जरूरत हो शायद। हर वो चीज जिसकी मुझे समझ नहीं वो मेरी जरूरत नहीं। जरूरतें कुत्ते के पीछे लगी दुम है, जिनके पीछे इंसान कुत्ते की तरह पड़ा रहता है लेकिन वो मुंह में नहीं आती। अब बताओ तुम्हारी क्या जरूरत है? उस दिन मेरी तस्वीर मांगने आई थी, आज क्या मांगने आई? कुछ नहीं। जो कुछ नहीं मांगता उसे सब कुछ मिल जाता, तुम्हें भी मिल जाए। ये लस्पीरान के मजलूम हिलमंद की दुआ है कि तुम्हें सब कुछ मिले। अलिफ लैला की कहानी में तुम्हारी ही तस्वीर लगे। इतनी सर्दी तो नहीं, काम क्यों रही? पता नहीं।
जब राज खुलते हैं तो ठंडी दोजखों के दरवाजे भी साथ खुल जाते हैं। सर्दी हड्डियों के अंदर तक घुस जाती है। बस दुआ करो कि जब राज खुले तो कोई संभालने वाला भी हो। कांपते जिस्म पे कोई चादर डालने वाला हो। जा बजा तू चल दिया फिर कहां ढूंढता है क्यों तू संग मां। जा बजा तू चल दिया फिर कहां ढूंढता है क्यों तू संग मां संग मां। मैडम मैडम क्या हुआ? मिली रोशनी। जब राज खुलते हैं तो ठंडी दोजखों के दरवाजे भी साथ खुल जाते हैं। कि जब राज खुले तो कोई संभालने वाला वो नजर कांपते जिस्म पे कोई चादर डालने वाला। ये लस्पीरान के मजलूम हिलमंद की दुआ है कि तुम्हें सब कुछ मिले। हिरमन ने कोई मौका ही नहीं दिया जी, उस पर चादर डालकर चलाई है। मुझे लगता है उसको बहन बना गया है। अब तुम मुझे बताओ मैं कैसे गोली चला था? वो चली गई? हाँ, कब की? तो तुम क्यों खड़े? तुम भेजो। एक बात पूछो। खुदा के लिए ये मत पूछना कि तुमने शादी क्यों नहीं की। जब कोई ये कहता है ना बादाम गुल एक बात पूछूं, तो मैं समझ जाता हूँ इसके पेट में मेरे शादी का मरोड़ है। अरे नहीं की तो नहीं की, किस्मत में होती तो हो जाती। तुम्हारी माँ ने भी बहुत कोशिश की मेरी शादी कराने की, लेकिन मैंने बस कर दो शुरू ही हो जाते हो। और पूछो। कुछ और पूछना था मैंने। फिर पूछो। तुम बाबा के बचपन के दोस्त है ना? दोस्त? भाई था भाई, उसने मुझे कभी दोस्त नहीं समझा। जिधर भी वो जाता था लोग पूछते थे तुम्हारा नौकर है, तो वो कहता था नहीं ये मेरा भाई है, जाकर अपनी माँ से पूछो उसने क्या कहा था। क्या कहा था? उसने शादी के दिन बोल दिया था नेक वक्त दो चीजें छोड़ने को कभी नहीं बोलना वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कौन सी दो चीज? एक बादाम गुल और एक नसवार। क्या कि पूछो? मैं क्यों पूछूं? झूठ बोलते हो तुम। फिर और पूछो। अ
अगर तुम बाबा से इतनी मोहब्बत करते हो तो मस्तान से नफरत क्यों नहीं करते? अम्मा तो उससे बहुत नफरत करती है, तुम क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं करते? उसने तुम्हारा बाप मारा था। वो बाप जिसकी शक्ल भी याद नहीं मुझे। जब ये सब कुछ हुआ था मुझे तो पता भी नहीं था कि वो क्या गया है। जब से वो संभाला है इस घर में बाप की जगह तुम दोनों को ही देखा, तुम दोनों को ही अपना समझा। मेरा तो नफरत करना बनता ही नहीं, लेकिन तुमने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, फिर क्यों मस्तान के जोड़ीदार हो? मस्तान अच्छा आदमी, बुरा होता तो उस पर सलाम भी ना डालता। ऐसी कौन सी अच्छाई है जो तुम्हें नजर आती और अम्मा को नहीं आती? उसका पछतावा, वो चाहता तो अपने बाप की बात मान जाता, लेकिन उसने आजादी की बजाय गुलामी कबूल की। सारा जरगा उसके तरफ हो गया था, लेकिन वो जरगे के खिलाफ। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको करने से पहले बड़ी एहतियात से काम लिया जाता है। ये कोई बकरी चोरी या पानी काटने का फैसला नहीं है, कत्ल का फैसला है। इसीलिए इस सोच में दो चार दिन लग गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिरगा अपने फैसले पर पहुंच गया। दरगुना बीबी, क्या तुम्हें जिरगे का फैसला मंजूर होगा? मंजूर होगा। हकीम गुरु बख्श सिंह, क्या तुमको जिरगे का फैसला मंजूर होगा? मंजूर होगा हाजी। जिरगे ने फैसला किया है कि यह कत्ल जाती दुश्मनी पर हुआ, ना खानदानी दुश्मनी पर। एक मामूली झगड़ा बढ़कर हादसा बना और फिर हादसे में यह कत्ल हुआ। एक हादसे के कत्ल में जिरगा, गुरुबख्श और उसके खानदान को यह हुक्म देता है कि वो जरगुना बीबी यानी असदुल्ला खान की बेवा को 5 लाख रुपए 5 दिन के अंदर अंदर तावान अदा करे, ताकि उसकी बेवा और बच्ची। मुझे यह फैसला मंजूर नहीं है। लेकिन तुम मेहनत कर चुकी हो। मैं तोड़ती हूँ तो फिर सारा गांव तुमसे हर नाता तोड़ देगा। बाढ़ में जाए गांव और दोजख में जाए हर नाता। मुझे खून का बदला खून से चाहिए। मैं अपने असदुल्ला का खून 5 लाख में नहीं बेचूंगी। यहाँ फैसला हो रहा है, कोई सौदा नहीं हो रहा। गलत फैसला हो रहा है ना? घरवाला मेरा मरा है, बच्चा मेरा जाया हुआ है, और ये लोग 5 लाख रुपए में मेरी 2 लाशें खरीदना चाहते हैं। देखो ये ठीक बात नहीं है असदुल्ला खान की घरवाली, तुम जुबान दे चुके हो, कुछ तो अपनी जुबान का खानदान का लिहाज करो, वरना लोग क्या कहेंगे कि एक औरत ये सफेद बालों वाले बुजुर्गों के मुंह पे लानत का पंजा मार के चली गई। हमें जरगे का हर फैसला मंजूर है, 5 लाख नफ के साथ साथ मैं 2 भैंसे अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार नहीं। मुझे तो अभी पता चला, मैंने असदुल्ला के साथ एक और कत्ल किया है, इस मासूम बच्चे का जिसने दुनिया में अभी तक सांस भी नहीं ली।
मैं दो लाशों का वजन उठाकर आजाद नहीं रहना चाहता। मैं अपने फैसले का हक इस बीबी के हाथ में देता हूं। ये जो सजा देगी मुझे मंजूर है। ये बोझ मेरे सर से उठा दे बीबी। ये क्या मजाक हो रहा है मस्तान सिंह? अगर खुद फैसले करने थे तो फिर जिनके क्यों बुठाए? वक्त क्यों खराब किया सबका? मुझे भी वैसे ही काट जिस तरह मैंने तेरे घर वाले को काटा था। बादाम गुल तू सारी जिंदगी इस बोझ के नीचे गुजारेगा मस्तान सिंह। एक बार नहीं, हर रोज मरेगा तू। अब तो मैं कहो ऐसे बदबख्त से कौन नफरत करे? जीती बाजी हार के सर झुकाए तुम्हारी माँ से जलील हो रहा है आज तक। इसी गुलामी में माँ मर गई, बाप मर गया, शादी नहीं हुई, जिंदगी बर्बाद कर बैठा आराम खोर, अपनी भी और अरशाली की। अरशाली ने शादी क्यों नहीं की? मस्ताने की मोहब्बत। मामा आज तुम भी बता दो, तुमने शादी क्यों? अपनी बहन की मोहब्बत। मैं शादी करके चला जाता तो वो अकेली रह जाती। तेरा बाप मुझे नौकर नहीं भाई कहता था, भाई हर जगह अपने साथ लेकर जाता था। जब कोई पूछता था ये तेरा नौकर है तो सीना तान कर कहता था ये मेरा भाई है भाई। जिंदा हो? कहाँ रह गई थी और तुम्हारी स्टोरी का क्या बना? बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगी। बॉस से मिल के आती हूँ। बॉस? बॉस तो चली गई, बल्कि चला दी गई। क्या मतलब? बॉस से डैडी की तीसरी शादी पकड़ी गई। बेगम और उनके बेटों ने उन्हें बिजनेस से निकाल के सब कुछ टेक ओवर कर लिया है। तो बॉस ने इफ्तिखार साहब से शादी कर ली? जी हाँ, 6 महीने हो गए और अब जाके पता चल रहा है 65 साल की उम्र में तीसरी शादी। तो उनकी जगह पे कौन है अब? जावेद साहब खुद। जाओ बॉस को सलाम कर लो। अच्छा मैं आती हूँ। ये जो आप इतने दिनों से ऑफिस के अखराजात पर गायब हैं, आपको कुछ एहसास भी है? बाय द वे क्या क्या तीर मारे हैं आपने इतने दिनों में, जरा दिखाइएगा मुझे। सर बस मैं कल ही स्टोरी फाइनल कर दूंगी, बस थोड़ा सा लिखना बाकी है। कितने अरसे से काम कर रही हो यहाँ? 2 साल। इसी रिसर्च सेक्शन में? जी। मेरी सीट पे आना चाहती हो? जी मैं कुछ समझी नहीं।
मेरी सीट संभालना चाहती हो? मेरे और भी इतने सारे बिजनेसेस हैं, अब मैं वो सब संभालूं या यहाँ के लड़ूं एक एक से? सर मैं इस फील्ड में मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मुझे लगता है मेरा ख्याल है कि आपको वो ज्यादा सोचो मत, कल से संभालो ये सब कुछ। बाय द वे आज रात को क्या कर रही हो तुम? स्टोरी कंप्लीट कर रही हूँ मैं। दफा करो स्टोरी को, शाम को घर पे आना या फिर मैं ड्राइवर को भिजवा के तुम्हें पिक करवा लूँगा। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, थोड़ा चिल करेंगे। हमारे ऑफिस में एक बहुत बड़ा चिलर लगा होगा, उसके सामने जाके बैठ जाओ, तुम्हारा सारा सिस्टम चिल हो जाएगा बेहूदा इंसान। तेरी तो क्या, तेरी तो हाँ क्या, तेरी तो बोल, क्या तेरी तो बोल। संगे मां।